एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऐसे में सभी छात्र जो है बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि मॉक टेस्ट किस तरीके से होगा और मॉक टेस्ट के थ्रू कैसे जान पाएंगे कि हमारा एग्जाम किस तरीके से होगा और उसका आंसर कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं छात्रों के मन में। एक्चुअली बहुत सारे छात्र जो ऑनलाइन एग्जाम दे रखे होंगे तो उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं ऑनलाइन एग्जाम दिया उनको दिक्कत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे सारी बारीकियाँ कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम दिया जाता है और मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे और किस तरीके से आपको सारी चीजें देखनी है, समझनी है, पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है और वैसे आपको परीक्षा भी देनी है तो आपको अच्छे से बताएंगे लाइव दिखा के। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं इसके साइड पे ऑफिशियल। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑनलाइन एग्जाम यानी MSBT का जो है ऑनलाइन एग्जाम शुरू है और वहाँ के बच्चे छात्र दे रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम और किस तरीके से देख रहे हैं इंटरफेस है यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है, इसको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, यू कैन नॉट स्टार्ट एग्जाम इफ डिस अलाउ कैमरा, मतलब आपको कैमरा अलाउ करके रखना है। तो बहुत सारे छात्रों के मन में तमाम तरीके के जो क्वेश्चन चल रहे हैं कि हमारे यहाँ कैमरा नहीं होगा या हमारे सिस्टम पे कैमरा नहीं है, तो भैया नहीं है तो आपको ऐसा सिस्टम ढूंढना है जहाँ पे कैमरा मिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है कैमरा अलाउ करना है और जब कैमरे से आप दिखेंगे तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। और ये पॉलिसीज जो टर्म एंड पॉलिसीज वेबसाइट की आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये देख सकते हैं, मतलब कैमरा वाला ये जो आप कहा ये क्लियर हो गया, मतलब आपका कैमरा ऑन रहेगा, ठीक है। यूजर नेम आपको और पासवर्ड ये आपके मोबाइल नंबर पे चाहे भेजा जाएगा या ईमेल आईडी पे और उसी के थ्रू आपको लॉग इन होना है, ठीक है, जब ये मॉक टेस्ट होगा तभी। तो आप यूजर नेम और जब पासवर्ड इंटर करके कैप्चा एंटर करोगे, लॉगिन करोगे ये, तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आपको दिखेगा। जी हाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है तो जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उनको उनके तीन तीन पेपर जो होने वाले हैं एक में उस तरीके से कैटेगराइज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो हैं इस तरीके से और रैंडमली ऐसा नहीं है कि आप किसी एक क्वेश्चन को ही कर सकते हैं, किनारे से कर सकते हैं, आपका जिस क्वेश्चन पे मन हो वो क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन करना है जल्दी जल्दी से, तो मान लीजिए इस तरीके से आप करेंगे, अंकित ने गणित और विज्ञान मिलाकर कुल अंक मिले, मतलब अंग्रेजी में 100 से ज़्यादा, तो इस तरीके से क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन आपको तुरंत आ रहा है तो आप इस पर तुरंत टिक करेंगे और अगर ये करेक्ट आप जान रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सेव एंड नेक्स्ट उस टाइम करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन हो गया। अब अगर हम सेव नहीं करते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पर आ गया, हम इसको सेव नहीं करते फिर कैसे दिखेगा? सेव नहीं करते हम मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाते हैं या यहाँ से हम तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हमारा टिक तो लगा है लेकिन इस पे ग्रीन नहीं दिख रहा, मतलब वहाँ पे हम रिव्यू करेंगे उसके बाद ही आंसर देंगे। तो जो ग्रीन होगा उसी पे आंसर है, इस तरीके से अगर आपका दिखेगा ना तो फिर आप समझ लीजिए कि आप ये क्वेश्चन अभी आपका छूटा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टिक ही नहीं लगा हुआ है तब भी, तो यहाँ पे मान लीजिए टिक लगा दिए, मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दिए, तो जो मार्क एंड रिव्यू करेंगे कि जिसे हमें पुनः देखना है कि चेक करना है एक बार, वो ब्लू कलर में हो जाएगा और जिसको हम सेव ही नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे इस तरीके से रहेगा, मतलब वो आंसर आपका तब तक सेव नहीं होगा। तो आप आंसर देके अगर मार्क एंड रिव्यू करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर फिर जाके आप देख के मार्क सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा इस तरीके से। तो जो क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे सेव नेक्स्ट पर करके इसको ग्रीन कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा।
तो आप इस तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं नॉट विजिटेड जो है इस कलर में दिखेगा, नॉट आंसर इस कलर में दिखेगा, आंसर इस कलर में दिखेगा, मार्क फॉर रिव्यू आपका मार्क फॉर रिव्यू इस तरीके से, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये तीन चार ऑप्शन है जो आपको दिखेंगे। अब मान लीजिए आप इतना क्वेश्चन कर रहे हैं सेकेंड फेज का करना चाहे केमिस्ट्री का, तो आप सीधा यहाँ पे टिक करेंगे, इस सब्जेक्ट पे आप आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 है ये, तो यहाँ पे देखिए जैसे इस पे टिक किया मान लीजिए तुरंत 61 पे आ गए। निम्नलिखित में से किस धातु का सरलता से खींचा जा सकता है, जिसको सरलता से खींचा जा सकता है वो आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही टिक करेंगे और सेव है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक है, और मान लीजिए आपको फिजिक्स का क्वेश्चन करना है तो आगे बढ़ जाइए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आगे छोड़ के सीधा 83वां क्वेश्चन देखना है तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सोडियम पेपर ये आ गया। ठीक है, सेवन नेक्स्ट, तो ये ध्यान दीजिएगा सेवन नेक्स्ट करिएगा जिससे ये ग्रीन हो जाए, तभी आपका कंप्लीटली आंसर माना जाएगा। इस तरीके से आप टेस्ट देंगे। ठीक है, सारी चीजें और इंस्ट्रक्शन टेस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्ट यहाँ पे तो देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिया नहीं गया हालांकि, और ये जब आपका रहेगा तो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हम टिक करके सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ऐसे जितने क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन के आंसर हमें क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन होता चला जाएगा जो भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ें। और आप लास्ट में 5 या 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आप सारे क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद फाइन सबमिट करने के लिए आपको लिंक यहाँ दिया जाएगा, सबमिट करना है। तो जब आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आएगा, आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट दिस पेपर, ओके करना है। ओके करने के साथ ही आपका जो है टेस्ट कंप्लीट हो गया, जो भी जितने क्वेश्चन करेंगे ये सारी चीज़ें दिखेंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि जब आप लोग पेपर देंगे तो ऐसा नहीं है आप लोग तुरंत सबमिट नहीं कर सकते, आपका जब 1.5 घंटा कंप्लीट होगा तभी वो ऑटोमेटिकली सबमिट ले लेगा। ठीक है, आपको तभी सबमिट करना है जब कंप्लीट होगा टाइम, और नहीं आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबमिट ले लेगा, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में देख के करना है और ये इजी वे से करना है, जल्दी जल्दी से करना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए करिएगा। टाइम आपका चलता रहता है कोने पे और वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना टाइम देखना, तो इस तरीके से पेपर देना है। तो आई होप आपको सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। मॉक टेस्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है और जैसे स्टार्ट होगा मॉक टेस्ट, अब आप समझ लीजिए 10 और 11 के नियर अबाउट स्टार्ट होगा, उसके पहले भी स्टार्ट हो सकता है अगर मॉक टेस्ट जैसे ही स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा और लिंक में आपको आईडी पासवर्ड भी साथ में भेजा जाएगा, वहां से आप लॉग इन करके आप मॉक टेस्ट दे सकेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।